कांग्रेस ने स्वास्थ्य शिविरों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। देवभोग के करचिया गांव में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे कांग्रेस नेता संजय नेताम ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में केवल खाना पूर्ति के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए गए, यदि शिविरों का लाभ ग्रामीणों को मिला होता तो सूपे बेड़ा जैसा हालात नहीं बनते। उन्होंने अपनी सरकार को स्वास्थ्य के प्रति गंभीर बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री खुद एक साल में 3 बार सूपे बेड़ा का दौरा कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री की गंभीरता के कारण ही सूपे बेड़ा के लोगों को बड़ी राहत मिलना शुरू हुई है। निश्चित तौर पर सरकार की जो योजना है उसको लाभ भरपूर यहाँ पर ग्रामीण ले रहे हैं। ग्रामीणों के चेहरे में खुशी भी देखने को मिल रही है। वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि इससे पहले ये शिविर जो है बिल्कुल नहीं लगता था, नगर तौर पर लगती थी, पर जो सरकार जब से बनी है वो ग्रामीणों में एक अलग सुसा देखी जा रही है और ग्रामीण खुद बोलने लगे कि पहले और अब में अंतर है। अब जो है बिल्कुल सरकार जो गंभीर स्वास्थ्य को लेकर